हाय, मैं हूं शशिभूषण तिवारी। आस्क एसबीटी के इस एपिसोड में मैं आप सभी बच्चों का एक बार स्वागत करता हूं। कई सारे बच्चों ने मुझसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दावलियों में क्वेश्चन पूछे, जिसका मर्म मुझे ये समझ में आया कि सर, मेरे टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आते। अल्टीमेटली हम पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट में स्कोर पाने के लिए ही कर रहे हैं और वो स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या करें? सभी बच्चों के लिए एक ही आंसर तो नहीं दिया जा सकता, परंतु अपने पढ़ाने के अनुभव के आधार पे जो जनरल प्रॉब्लम देख रहा हूँ उस पर मैं अपनी एक ओपिनियन जरूर रखना चाहता हूँ। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा। ऐसा मैं बोल दे रहा हूँ, याद आ गया है, बाकी आपकी जो इच्छा हो वही कीजिएगा। हाँ, तो सबसे बड़ी एटलीस्ट 80% बच्चों की जो प्रॉब्लम मैं देख पाता हूँ वो ये है कि सभी बच्चों को किसी भी कोचिंग में, किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में एक ही स्पीड पे पढ़ाया जाता है। एक कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी या उसका चित्र कहीं देखा होगा कि एक कंपटीशन आयोजित किया गया जिसमें बंदर को, ऊंट को, हाथी को, शेर को, सबको कहा गया कि सबसे पहले पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। तो ये काम बंदर ही सबसे पहले कर पाएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि बंदर ही सबसे अच्छा जानवर हो गया, सबसे तेज हो गया। लेकिन आज की हमारी विडंबना यह है कि हर क्लासरूम में कोर्स तो एक सर्टेन पेस पे चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि उसको एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म होना है। हर बच्चे को उसी पेस पे भागना है, पर सभी बच्चे उस पेस पर नहीं भाग सकते, सभी बच्चे बंदर की तरह पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। लेकिन इसका एक अर्थ कदापि नहीं है कि वो तेज नहीं है, वो दूसरों से कमज़ोर है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। तो इस समस्या का निदान क्या है, बच्चे अपने स्तर पे क्या करें इस समस्या के से निजात पाने के लिए? देखिए, कोर्स तो आपके क्लास में टीचर जिस पेस पे चल रहे हैं वो चलेगा, ठीक। आपको अपना पेस रेगुलेट करना है सेल्फ स्टडी के समय। जी हाँ, सपोज मैं टीचर हूँ और आज मैंने पढ़ाने के बाद बच्चों को सडनली 40 क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया कि अब ये कल करके आना या परसों करके आना। तो बहुत से बच्चे, बहुत स्मार्ट बच्चे जो होते हैं, वो स्मार्ट कैसे हुए वो भी बताऊंगा, पर जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा काम नहीं है। उन्होंने 1.5-2 घंटे पढ़ाई की और कर लिया क्वेश्चन, पर मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रगल करने लगते हैं, और ख़ास करके अगर एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का होमवर्क मिल गया तो काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है। आप अपने पेस को कैसे रेगुलेट करें? आपको ये तय करना है कि ठीक है, ये होमवर्क है 40 क्वेश्चन का, इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, क्योंकि यही टॉपिक अभी क्लास में चल रहा है और इन क्वेश्चंस को ट्राई करने से मुझे अगले क्लास में समझने में मदद मिलेगी, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूंगा या करूंगी। लेकिन सभी को नहीं, ये जरूरी नहीं कि आप 40 के 40 क्वेश्चन ट्राई करें। आप बिल्कुल ये सुनिश्चित कर लें कि मेरे पास इस होमवर्क को करने के लिए समय कितना उपलब्ध है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास इस होमवर्क को करने के लिए 2 घंटे का समय है, तो मैं 2 घंटे तक बिल्कुल प्रयासरत रहूँगा या रहूँगी कि जितने क्वेश्चन हो सके मैं करूँगा, पर क्वेश्चन के आंसर को लाना मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्वेश्चन को समझ कर करना होगा। तो आप समझ समझ कर जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं उस 2 घंटे की समय सीमा उनको कीजिए, हो गया, आपकी पढ़ाई हो गई, आपका होमवर्क डन हो गया। फिर कभी जीवन में मौका मिलेगा तो मैं शेष क्वेश्चनों को करने का प्रयास करूंगा, पर उस 40 में से ही मैं 2 घंटे में जितना कर पाया वही मेरा काम था, मैंने कर लिया। अब अगली बार जब होमवर्क मिलेगा फिर मैं अपने निश्चित समय, निर्धारित समय में जितना कर पाऊंगा उतना करूंगा, और इस तरीके से मैं क्लास के ट्यून में रहूंगा, क्लास के साथ ही चलूंगा, क्लास से पिछड़ूंगा नहीं। जब चैप्टर खत्म होता है
तो मैंने भी उस चैप्टर के 200 क्वेश्चन के होमवर्क मिले, पर 200 नहीं तो 40 तो किए हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि आप उस बेसिक बातों को समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि एक बहुत जल्दी से क्वेश्चन रहने वाला जो आपके क्लास में अग्रणी रहते हैं वो छात्र, वो कहाँ से आगे हो गए। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पे, वो छात्र अभी भी ऐसा करते हैं, किसी किसी क्वेश्चन पे वो उलझ जाते हैं और उस पर वो डीप थिंकिंग करते हैं, वो घबरा के भागते नहीं, छोड़ते नहीं उसको, उसके पीछे लगे रहते हैं। कई बार वो छात्र भी किसी क्वेश्चन पे आधा घंटा देते हैं, हो सकता है उसको सॉल्व करने के लिए वो किताबें पढ़ते हों, ये भी हो सकता है कि वो यूट्यूब पे किसी वीडियो को सर्च करते थे, बिल्कुल समझ। आप उसकी जगह होते तो आप घबरा जाते कि एक क्वेश्चन में इतना समय मैं दूँ। नहीं, वो जो आपके क्लास का सबसे अव्वल छात्र है उसने एक क्वेश्चन पे काफ़ी समय, हो सकता है एक घंटा जाया कर दिया, आपके नज़र में जाया कर दिया। जी नहीं, उस क्वेश्चन को समझने में उसने जो एक घंटे का एफर्ट डाला, उसके बाद उसके लिए अगले 10, 12, 15 क्वेश्चन बहुत आसान, थोड़े थोड़े वेरिएशन। जिस क्वेश्चन में वो फंस गया था, उलझ गया, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए उसने एक तरह से रिसर्च किया, छोटा मोटा रिसर्च ही कहेंगे, उसके बाद आगे आने वाले 10, 12, 15 क्वेश्चन उसके लिए जिसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन थे वो काफ़ी सरल हो गए, और इवेंचुअली उसने लिमिटेड टाइम में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन कर। और जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन को घड़ी के साथ टाइम करना शुरू किया, अरे यार 10 मिनट बीत चुका है मुझसे अभी एक दिन, वो इसी उलझन में, उसी भेड़ बुन में है कि ये फार्मूला लगाने से आंसर क्यों नहीं आ रहा है, वो उसके रूट कॉज पे नहीं जाना चाहता, वो क्वेश्चन के मर्म को ठीक से समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसके लिए रिक्वायर्ड थ्योरी अगर कहीं गड़बड़ है आपकी नॉलेज, उसको ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहा है, उससे रिलिवेंट कोई एक एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, या सबसे बड़ी बात कि वो उस बात को चिन्हित ही नहीं कर पा रहा है, पहचान ही नहीं पा रहा है कि किस वजह से उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो कौन सी बात है जो उसे उलझा रही है। उसका उलझन अगर दूर हो जाए, अगर वो उसको डिफाइन कर ले कि किस चीज़ की वजह से मैं उलझ रहा हूँ, तो उस उलझन का हल ढूंढा जा सकता है, शायद मेरे चैनल पर आपको मिल जाए, है कि नहीं। तो उस उलझन का हल एक बार मिल गया फिर तो वो क्वेश्चन बनेगा, और उसके साथ लगातार कई क्वेश्चन आ सकते। तो मेरी इस बात को समझिए बच्चों, आपको अपने पेस पे चलना है, अपने पेस पे चलने के लिए आप टीचर को मजबूर नहीं कर सकते, पर आप अपने सेल्फ स्टडी के दौरान अपना पेस स्वतः निर्धारित कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका मैंने जो कहा, आप समय सीमा निर्धारित कीजिए कि इस होमवर्क के लिए मेरे पास इतना समय है, और उस समय में समझते हुए जितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो करने की कोशिश। आप एकदम ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी परेशानी क्या है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं पकड़ रहा, आप उसको कहीं से भी नहीं पकड़ पा रहे, उसको छोड़ दीजिए, उस पर अगले पे। पर जब किसी क्वेश्चन में लगे कि नहीं ये मेरे रेंज में है, ये मुझे समझ में तो आ रहा है, पर एक चीज़ खटक रही है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसका निराकरण जरूर ढूंढने का प्रयास। ऐसा करते हुए आप सोचते हैं, और जब आप सोचते हैं तभी आप सीखते हैं। तो अगर आप मेरी इस सलाह को मानेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, और आप देखेंगे जो कुछ बच्चे ऐसा कहने पे मुझसे ये भी कहते हैं, पलट के पूछते हैं कि सर ऐसा करने से आपके अप्रोच में तो गड़बड़ी ये है कि हम बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को मिस ही कर जाएं, आप गलत समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो जो दो चार बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन उलझन है, उस उलझन के सुलझते ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को तीव्र गति से हल करने लगता हूँ। आई होप कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और बातचीत, किसी और चर्चा के साथ।